नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ एवोकाडो की चटपटी और हेल्दी चटनी। हेल्दी इसलिए कि एवोकाडो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और उसको अगर चटपटे रूप में बना के खाया जाए तो खाने का मजा भी आ जाता है। जो लोग इसे खाना नहीं पसंद करते, अगर आप इस तरह से इसे खिलाओगे, जैसे आप रोटी के पे लगा के खा सकते हो, ब्रेड पे स्प्रेड करके खा सकते हो, मजा ही आ जाता है खाने का। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसका कलर देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लगता है देखने में, जिससे खाने का मन अपने आप ही हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एवोकाडो की चटनी बनाना। तो ये देखिए, एवोकाडो की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एवोकाडो लिया हुआ है, इसे वॉश कर लिया है मैंने। अब मैं इसे कट करूँगी। तो ये देखिए, पूरा एक गोलाई में मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, ये देखिए बीच का भाग निकल आया था। अब देख सकते हो बहुत ही बढ़िया निकला है ये। अब मैं एवोकाडो के पल्प को, गूदे को निकाल लूंगी। बहुत ही आसानी से देखिए निकल जाता है, इस तरह से चाकू से हम निकालें। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से निकाल लूंगी प्लेट में। तो ये देखिए, एवोकाडो की चटनी बनाने के लिए मैंने पीसेस तो कट कर लिए थे, यहाँ मिक्सर जार ले लिया है। तो अब मैं ये पीसेस डाल दूंगी मिक्सर जार में। और ये देख सकते हो अब कलर चेंज होने लगा, इसका कलर जल्दी से चेंज होने लगता है, इसलिए इसमें नींबू का रस डाला जाता है। इससे क्या होता है, जल्दी से काला नहीं पड़ता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, काफ़ी सारा हरा धनिया, और इसकी जो मोटी मोटी टहनियाँ हैं वो भी ली हुई। इससे टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है और क्वांटिटी तो बढ़ी जाती है। ये देखिए धनिया डाल दिया मैंने। और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, तो लगभग 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तो लगभग आधा चम्मच सेंधा नमक है। और एक मिर्ची डाल रही हूँ, ये मोटे साइज की एक मिर्ची, हल्की सी तीखी है। तो जितना आप चटपटा बनाना चाहते हो चटनी को, उस हिसाब से डाल सकते हो। और एक नींबू का रस डाल रही हूँ। और अब चटनी को पीस लेते हैं। तो ये देखिए, एवोकाडो की चटपटी और हेल्दी चटनी पीस के बिल्कुल तैयार है। और आप कलर देखिए कितना प्यारा आया है धनिया से, ये देखिए। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे रोटी के साथ खाइए, ब्रेड के ऊपर लगा के खाइए। ये देखिए, तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, एवोकाडो की चटपटी चटनी पीस के तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा चटनी बनाना कितना आसान है, और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगती है, और इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद बताइएगा जरूर कि आपको एवोकाडो की चटनी कैसी लगी।